ओके, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मेरा गला खराब है। नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में हम किसी मूवी या फिर किसी एक्टर्स के फैक्ट्स या फिर किसी मूवी का रिव्यू नहीं बताएंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन मूवीज के टॉक्सिक फैंस की। What you think about the South Indian movies? अगर आप मेरी तरह कोई नॉर्मल व्यूअर होंगे तो डेफिनेटली आप भी सारे सदर्न सिनेमास को साउथ इंडियन सिनेमा से एसोसिएट करते होंगे। बट बाद में जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, देन आई रियलाइज कि साउथ इंडिया की इंडस्ट्री टोटल चार पार्ट्स में डिवाइडेड है मेजरली, जिसमें टॉलीवुड जो कि तेलुगु मूवीज बनाते हैं, कॉलीवुड जो कि तमिल मूवीज बनाते हैं, मॉलीवुड जिनकी रीजनल लैंग्वेज मलयालम है, एंड इसके अलावा सैंडलवुड यानी कि अपनी KGF वाली जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में बनती है, एंड ये सब कुछ मिलाकर बनता है साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री। बट अब तक मैंने जितनी भी साउथ इंडिया की मूवीज देखी है मैंने हिंदी डब में देखी, एंड हिंदी डब में मुझे क्या पता लगेगा कि भाई ये कौन से लैंग्वेज की है, कौन सा कुछ है। इट्स ऑब्वियस कि मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था, एंड आई एम श्योर कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें इस डाइवर्सिफिकेशन के बारे में नहीं पता होगा। जिसमें मैं थोड़ा रफ टफ करके बता दूं तो चिरंजीवी, रवि तेजा, नागा अर्जुन एंड प्रकाश राज ये सब टॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं। वहीं निवीन पोले, फहाद फासिल, मोहनलाल एंड दिलीप ये मलयालम सुपरस्टार्स हैं। वहीं मोस्ट फेमस रजनीकांत, सुपरस्टार विजय, धनुष एंड लेजेंडरी कमल हसन कॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, एंड उसके अलावा यश, धनुष, उपेंद्र एंड पुनीत राजकुमार ये सारे सुपरस्टार्स सैंडलवुड इंडस्ट्री के हैं। एंड आई थिंक मेरी तरह ही बहुत से ऑडियंस का थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म होगा साउथ इंडिया की इंडस्ट्री को लेकर। खैर, ये तो थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन साउथ इंडियन मूवीज को लेकर। बट पिछले कुछ सालों में मैंने क्या रियलाइज किया कि भाई इंडियन सिनेमा, स्पेशली साउथ इंडियन सिनेमा अपने टाइम के साथ साथ काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है, एंड ओवर द टाइम मुझे लगता है इनकी प्रोग्रेशन और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। बल्कि आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सिनेमा वर्ल्ड वाइड साउथ इंडियन सिनेमा के लिए जाना जाएगा, ना कि बॉलीवुड के लिए। एंड ये बात मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, एंड क्योंकि आजकल डबिंग आर्टिस्ट इतने कमाल के आ गए हैं जिससे इनकी रीच और ज्यादा बढ़ती जा रही है, एंड एक्टिंग और एक्शन दोनों इनके पास पहले से है। बट ओवर द टाइम साउथ इंडियन सिनेमाज ने बहुत सारा फेम कमाया, एंड एज ए इंडियन मुझे पता है कि कोई भी मूवी या फिर कोई भी स्टार या फिर दुनिया में कुछ भी अगर वो चीज फेमस हो रही है तो वो अपने साथ साथ सिर्फ फेम लेकर नहीं आती, वो अपने साथ लेकर आती है एक टॉक्सिक फैन बेस, एंड जिसका मुझे कुछ खास अंदाजा नहीं था जब तक कि मैंने KGF 2 को थोड़ा सा ओवररेटेड नहीं बोल दिया था। भाई मेरी पिछली वीडियो का कमेंट बॉक्स, बट यार दैट वाज जस्ट माय ऑनेस्ट रिव्यू, मैं कुछ फालतू नहीं बोल रहा था। यहाँ पे इंडिया में, स्पेशली पंजाब में, यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवररेट किया हुआ था KGF को। ऑल्दो उस वीडियो में मैंने सिर्फ मूवी की तारीफ ही की थी, मैंने बहुत कम क्रिटिसाइज वाले पॉइंट्स निकाले जो कि काफी जरूरी भी थे। बट इसके बावजूद भी भाई साउथ इंडियन मूवीज के फैंस 100 अच्छी चीजें तो हंसकर ले लेंगे, बट 2 बुरी चीजें इनसे नहीं झेली जाती, एंड मुझे लगा था ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा गूगल किया, एंड व्हाट आई फाउंड कि भाई मतलब मैं अकेला शिकार नहीं हुआ इस टॉक्सिक फैन बेस का, क्योंकि भाई मैंने इतने सारे रिपोर्ट्स पढ़े, इतने सारे केसेस देखे टॉक्सिक बिहेवियर्स के, उनके फैंस के, दैट वाज हॉरिबल यार। जहां स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने 2019 का एक केस सामने आया जहां सुपरस्टार अजीत कुमार का एक फैन अपने पेरेंट्स से अजीत की कोई मूवी देखने के लिए पैसे मांगता है, एंड मोर ऑब्वियस कोई रीजन की वजह से उनके पेरेंट्स ने उसे पैसे नहीं दिए। भाई वो इतना खतरनाक फैन था, या मैं कहूँ या साइकोपैथ था वो बंदा, उसने अपने पेरेंट्स को सोते हुए उनपे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। भाई एक मूवी के लिए इतनी टॉक्सिसिटी, एक मूवी के लिए, ये कोई खुशी की हंसी नहीं है, दैट वाज अनबिलीवेबल था। बट मैंने थोड़ा बहुत केस को और रिसर्च किया, एंड दैट वाज लेजिट। बट जैसे तैसे पड़ोसियों ने उनके पेरेंट्स को बचा तो लिया, बट दैट वाज हॉरिबल यार। जिसके बाद मुझे वो जो ट्विटर पे लोगों को ट्रोल करते हैं या फिर दूसरे फैन बेसिस को गालियां देते हैं, दूसरे स्टार्स को गालियां देते हैं, ये सब चीजें मुझे बहुत छोटी लगने लग गई यार, और मेरे कमेंट बॉक्स की गालियां तो मैं भूल ही गया था। ये केस था जो मैंने, जिस पे टाइम लगाया, इसलिए मैं आपके सामने रखा हूँ। मैं कोई डिफेम नहीं कर रहा हूँ साउथ इंडियन मूवीज को या फिर उनके स्टार्स को, बट मुझे लगता है कि इतना टॉक्सिक फैन बेस लेकर क्या करोगे यार। ऐसी न्यूज मुझे नहीं लगता आपके स्टार्स को भी अच्छी लगेगी। जिसके अलावा कुछ केसेस मैंने ऐसे पढ़े कि भाई 2 सुपरस्टार्स की अगर एक दिन मूवी रिलीज हो जाए तो स्टार्स के फैंस के बीच का वो हाथापाई, वो बड़े बड़े दंगे तक हो जाते हैं यार। मतलब लिटरली इंटरनेट पे ऐसी वीडियोस हैं जहां पे फैन बेस आपस में पत्थरबाजी तक कर रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत से मामले हैं साउथ इंडियन इंडस्ट्री के। वहीं अगर गलती से, भाई गलती से कोई सिनेमा हॉल वाला, गलती से भी उसने रजनीकांत की मूवी रिलीज वाले दिन किसी और स्टार की मूवी लगा दी या फिर मूवी नहीं लगाई, भाई सिनेमा में आग लगा देते हैं लोग। वहीं रजनीकांत से एक बार मिलने का एक मौका गवा दिया किसी फैन ने, भाई घर जाके उसने सुसाइड कर लिया।
मतलब वो क्या है, वो इंसान है जो एक्टिंग कर रहा है, चाहे अच्छी कर रहा है चाहे बुरी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, अल्टीमेटली वो एक इंसान ही है। बट भाई तुम लोगों ने उन्हें गॉड बना दिया, डेमी गॉड्स बना दिए, पता नहीं क्या क्या बना दिया, समझ नहीं आ रहा मुझे। वो एक एंटरटेनर है, तुम मूवी देखोगे पैसे कमाएगा तब वो रोटी खाएगा, उल्टा तुम उनके लिए भगवान हो। एंड अगेन मैं फिर से बोल दूं, मैं ये वीडियो किसी इंडस्ट्री या फिर किसी स्टार के लिए हेट्रेड नहीं फैला रहा, डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा किसी को। मेरा तो गला खराब है, मैं वीडियो भी नहीं बनाने वाला था। बट जो भी मैंने पढ़ा इस इन सब के बारे में, आई फील कि भाई क्या हो रहा है ये, मतलब तुम क्रिटिसिज्म के सारे रास्ते ही बंद कर दो। तो भाई साउथ इंडियन मूवीज सिर्फ साउथ में नहीं लगती, पूरे पैन इंडिया में मूवीज लगती है। तो अगर हम पैसे खर्च करेंगे तो क्रिटिसाइज करने का हक बनता है हमारा। एंड ऑल दो मुझे क्या लगता है कि क्रिटिसिज्म बंद होना तो भाई इम्प्रूवमेंट को रोकने वाली बात है, क्योंकि अगर किसी को बताओगे नहीं कि भाई कहां क्या करना चाहिए, कहां गलती थी, तो वो आने वाले टाइम पे उससे इम्प्रूव नहीं करेगा। मतलब अगर आप अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड होते देखना चाहते हो तो भाई अभी तो सिर्फ इंडिया में है, यहां तो कम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जब ये मूवीज वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड होगी, बढ़ेगी, वहां के क्रिटिक्स तो बहुत पागल है, वहां का क्रिटिसिज्म तुम ले ही नहीं पाओगे। एंड ये कोई साउथ इंडिया के लोग नहीं थे जो भी कमेंट बॉक्स में थे या जो भी हरकतें कर रहे हैं, यहां पे लोग नॉर्थ इंडिया से भी बहुत से लोग ऐसे हैं। एंड आई नो कि बॉलीवुड के भी बहुत से स्टार्स हैं जिनका ऐसा फैन बेस है, बट किसी का भी मैंने इतना टॉक्सिक फैन बेस नहीं देखा, कभी भी नहीं, कि भाई सिनेमा जला दो, माँ बाप को मार दो, जला दो भाई। एंड ऐसे आपको गूगल एंड रेडिट पे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, बहुत से आर्टिकल्स मैंने देखे जो इसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहता। बट फिर भी मैं कहना चाहूंगा भाई क्रिटिसाइज करो चीजों को, जरूरी है क्रिटिसिज्म, एंड अच्छी चीजों को प्रेज भी करो। तो बस मेरा इतना कहना था, बाकी अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो, कुछ खास नहीं है, बट पता नहीं क्यों मैंने तो तारीफ की है फिर भी। जिसके अलावा अगर आपको मूवीज या एक्टर्स के फैक्ट्स या फिर मूवीज के रिव्यूज या फिर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में आपको बात करना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी बाकी वीडियोज में आवाज ऐसी नहीं है। मिलते अपने किसी और वीडियो में, टाटा बाय बाय।